मेरी हल्दी का फंक्शन और सब अपने अपने कामों में बिजी है। ऐसे ज्यादा पता नहीं चल रहा है, ब्राउन है ना लेंस। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में, एंड ये मेरा हल्दी का ब्लॉग होने वाला है। सो उस दिन हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की, ये सारी चीजें आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली उस दिन मेरी हल्दी एंड मेहंदी दोनों ही थी, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे मेरी हल्दी थी एंड इवनिंग में जो है मेहंदी एंड संगीत था। सो इस ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ आपको हल्दी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर मैं मेहंदी और ऐड कर देती तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मेरी पूरी मेहंदी एंड संगीत देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक एंड कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड लिटरली मैंने मेरी हल्दी के फंक्शन को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। मतलब जो भी मेरी तमन्नाएं थी कि अच्छा मुझे अपनी मेहंदी में ये करना है, ऐसे ऐसे ड्रेसअप होना है, वो सब कुछ जो है मैंने यहाँ पर किया था। एंड मॉर्निंग में ही मैंने राशि को बुला लिया था। राशि जो है मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत ही प्यारा मेकअप करती है, और वो स्पेशली मेरे लिए आई थी दिल्ली से। मतलब मेरे जितने भी फंक्शंस आप देखेंगे आगे ब्लॉग में, वो सारे फंक्शंस के मेकअप मेरे राशि ने ही किए हैं, और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। पहली बात तो ये कि राशि टाइम से पहले आ जाती है, वो टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल है। तो मुझे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको बार बार कॉल कर रही हूँ कि राशि कहाँ हो, कितनी देर में पहुंचोगी। हमेशा वही मुझे कॉल करती थी कि अच्छा प्रियंका मैं यहाँ आ गई हूँ, तो चलो। और इसके अलावा जैसी डेकोरेशन मैंने दिमाग में सोची थी ना, मतलब मेरी फैमिली ने बिल्कुल वैसी ही डेकोरेशन करवा के दे दी थी। बिकॉज मुझसे ज्यादा वो लोग एक्साइटेड थे कि सबसे अच्छी अच्छी चीजें जो है मेरी शादी में होनी चाहिए। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी फैमिली का, कि मेरे सोचने से ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया मेरी शादी में। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और इस अपने हल्दी के फंक्शन को हम लोग इंजॉय करते हैं साथ में। गुड मॉर्निंग, एक चलाना इसको चलाना है, लो शोभित देखो शोभित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मेरी हल्दी का फंक्शन और सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, जैसे कि शोभित यहाँ पर फोन चलाने में बिजी है, मेरे कहने पर इसने फोन बंद किया है, नहीं है ना, ठीक है। और अभी मैं बाहर दिखाती हूँ कि बाहर क्या क्या चल रहा है। मौसी ये गुंचियां बननी है। हाँ बेटा। अच्छा। गुंचियां, स्वार, गुंचियां, लपसी, लपसी। ये मेरी बुआ है, ये वाली जिन्होंने अभी सर ढका। ये मेरी ताई है। ये मेरी ताई है, ताई को तो लोग जानते हैं। अच्छा। मेरी दीदी है। आज की डेट है 1 मार्च 2024 और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, दिन भी नहीं निकला है और सभी लोग उठ चुके हैं और सभी अपने अपने कामों में लग गए हैं। जिसका जो काम है वो बखूबी अपना काम कर रहा है। और ऐसी हुई है घर की डेकोरेशन, मतलब जैसी डेकोरेशन मुझे चाहिए थी, सोची थी, बिल्कुल वैसी ही डेकोरेशन है। अंदर से भी और घर के बाहर से भी बहुत ही प्यारी लाइटिंग्स एंड डेकोरेशन बोथ। राशि का मुझे फ़ोन आ गया था कि वो घर से निकल चुकी है, तो मैंने सोचा कि उसके आने पे सारी चीज़ें मैं ढूंढूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो उसके आने से पहले ही आज मुझे कौन कौन सी ज्वेलरी, ड्रेसेस, एक्सेसरीज जो भी वियर करनी है उन्हें मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ढूँढ रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है अलग अलग पड़ा हुआ था। सो मैं सबको जो है यहाँ पर कलेक्ट करके एक साइड में निकाल दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से वो चीज़ें ले लेंगे। राशि भी आ गई है अभी और इन्होंने पूरा सेटअप जमा लिया है एक रूम में। आज ये रूम इन्हीं का है पूरे दिन।
ज्यादा अच्छा रहा। देखो हमारी दुल्हनिया ये दुल्हनिया कितनी रेडी हो गई, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। और मैं धूप में बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। ये ब्लॉग अच्छा आएगा तुम्हारा। अभी देखती हूँ मैं शाली को हल्दी हम लोगों ने बिल्कुल होली की तरह खेली थी और मैं पीली लाल दोनों ही हो गई थी क्योंकि हल्दी की वजह से मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही थी और उससे मेरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था। तो फटाफट से मैंने अपना मुंह धोया यहाँ पे, तब जाकर के मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। और अभी लग चुका है खाना, तो यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद मेहंदी का भी फंक्शन होता है, तो हल्दी के फंक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड माई हल्दी का फंक्शन, क्योंकि हम सब ने तो बहुत ज़्यादा मज़े किए थे और हल्दी के फंक्शन के बाद खाना इतना ज़्यादा खा लिया था और साथ ही में हम एग्जॉस्ट भी हो गए थे। उस टाइम पर तो बस ऐसा कर रहा था कि बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं, बट क्या करते, मेहंदी का फंक्शन भी अटेंड करना था। तो मेहंदी का ब्लॉग जो है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ब्लॉग और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर मेहंदी के ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।